आज हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था जो कि ख़त्म हो चुका है, तो जैसे ही मौका मिला मैंने सोचा कि आप सबको भी दिखा दूँ लैब। और यहाँ पे आंसर शीट निकल रहा है जिस पे साइन करके सबमिट करके जाना होता है, तो मेरा आंसर शीट निकल रहा है। और ये हैं सर बीच में जो बैठे हैं, सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही प्यारे हैं। तो हो गया सारा काम यहाँ का और अब मैं जा रही हूँ घर। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आज का दिन बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है ये, इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और अभी मैं किचन में सब्जी काट रही हूँ क्योंकि अम्मी जो हैं वो कपड़े धो रही हैं, तो इसलिए उनका काम ईज करने के लिए, थोड़ा सा आसान करने के लिए। जब तक वो आती हैं तब तक मैं ये सब्जी चढ़ा देती हूँ पकने के लिए, और उसके बाद चावल धो के रख देती हूँ। सना देखिए, सना आ रही है, ये देखिए। हेलो, से हेलो बोलो, हेलो बोलो। हेलो हेलो, हाउ आर यू? वो देखो बालिका। अब मैं जो है सब्जी पकने के लिए रख देती हूँ जब तक अम्मी आती है तब तक। अब इसमें नमक और हल्दी डालनी है, नमक जाएगी स्वाद अनुसार और ये हल्दी मैंने ज़्यादा डाल दी थी क्योंकि अम्मी जब आई तो वो उन्होंने ऊपर का सारा हल्दी वाला निकाल दिया। क्या मेरा काम उतना ही था। अब ये देखिए मेरे बेड की हालत कितनी ख़राब हो रखी है। मैं उठी और बाहर चले गई, उसके बाद मैं अब आ रही हूँ। ये कल रात को मैं अब्बू का काम करते करते सो गई थी, तो इसलिए अब इसको कंटिन्यू करेंगे, इसे कंप्लीट करूँगी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये कल का मेरा पूरा दिन जो है वो बिग बॉस देखने में निकल गया था क्योंकि मेरा स्टार्ट का प्रैक्टिकल था, इस वजह से मैं देख नहीं पाई थी 3-4 एपिसोड्स। और अभी मैं ये कल का एपिसोड देख रही हूँ। और ये देखिए सना बोल रही है अभी पढ़ने के लिए, उसका बुक यहाँ पे निकाल के रखी हुई है उसने, और बोल रही है कि अभी मैं लिखूँगी। उसका ये वाला बुक है, मैजिकल बुक जो होता है उड़ जाता है अपने आप, वो वाला है। तो अभी मैं इसको लिखाते लिखाते बिग बॉस देखूँगी और उसके बाद डायरी का हिसाब किताब मैं क्लियर करूँगी। ओके, और ये रही वो चीज़ जिसकी मैं बात कर रही थी, सुबह से वेट कर रही थी। अब्बू और साकिब गए थे लेने और मैं बस यहाँ वेट ही कर रही थी कि कब आएगी और कब मैं इसे खोलूँगी, देखूँगी, कब इससे केक बनाऊँगी। तो यह है फिलिप्स का हैंड बीटर जो कि मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए था, वैसे बहुत दिनों से चाहिए था, बट होता है हम घर पे ही कर लेते थे, बना लेते थे केक विक्स करके हैंड से। और अभी ये बीटर आ गया है तो और भी आसान हो गया है, तो अब तो नई नई रेसिपीज़ बनेंगी। वाओ, ये देखिए इसमें दो डो हुक्स होते हैं और दो बीटर के हुक्स होते हैं। यहाँ जो है वो हम आए हैं सीख लगाने, मटन लेके आए थे साकिब और अब्बू इंडिया से, तो अब हम उसे सीख लगाएंगे और खाएंगे। काफ़ी दिनों से हमारा मन था, तो ये देखिए इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस नमक, मिर्च, लहसुन, ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मिला के इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना, और उसके बाद इसे बना के खाना है। काफ़ी अच्छा बनता है, काफ़ी लजीजदार, वाह मज़ा आ गया खाने में। आज यहाँ चावल के मालपुए बन रहे हैं सुबह नाश्ते के लिए, ये मैं तल रही हूँ चावल के मालपुए। अभी अब्बू ने मुझे कॉल किया और मुझे और साकिब को बुलाया वहाँ पे खेत में, वहाँ पे जो है शकरकंद लगाया था अम्मी ने, तो वो हो चुका है, उसे निकाल रहे हैं और वो इतना बड़ा निकल रहा है कि लोग तमाशा देख रहे हैं। मतलब वहाँ पे आसपास के लोगों ने भी और अम्मी अब्बू ने भी कभी भी नहीं देखा था उतना बड़ा शकरकंद, तो इसलिए हमें दिखाने के लिए बुला रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं और बस पहुंचने वाले हैं, ये पहुंच गए, तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको शकरकंद। साकिब नहीं आया क्योंकि वो उसे काम था, तो मैं आ गई और ये देखिए शकरकंद कितना बड़ा है, मतलब दो बिता, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा है। ये देखिए ऐसा अब्बू लोगों ने तो खेती भी की हुई है पहले शकरकंद की, लेकिन इतना बड़ा शकरकंद आज तक नहीं देखा उन्होंने, ऐसा बता रहे थे। ये देखिए
काफ़ी बड़े शकरकंद हैं। आसपास के भी लोग आ रहे थे देखने इतना बड़ा। और ये आप बिलीव नहीं करोगे, ये ना अब्बू ने खाने के लिए शकरकंद लेके आए थे अब्बू, तो उसमें से एक बच गया था। तो उसे हमने मम्मी ने क्या किया कि उसमें से ही दो तीन काट के और लगा दिया, तो इतना ज़्यादा निकला, लगभग 5 से 7 केजी निकला। बहुत ही अच्छा लगा देख के, मैंने कभी नहीं देखा था शकरकंद कैसे उगता है, कैसा दिखता है, उसका प्लांट कैसा रहता है और कैसे लगता है, ये भी पहली बार देख रही हूँ। और पहली बार में मैं पहली बार देख रही हूँ, और जो पहले से देखते थे वो लोग भी आश्चर्य में है कि इतना बड़ा कैसे हो गया। तो ये देखिए अभी निकाल रहे हैं अब, अभी बस ख़त्म ही हो गया, क्योंकि बस एक ही शकरकंद में से दो तीन पार्ट करके अम्मी ने लगाए हुए थे, जो कि इतना ज़्यादा हुआ है। बहुत अच्छा लगा देख के। इधर देखो, रुको, कुकू कहाँ है कुकू? अरे कुकू, ये हमारी मुर्गियाँ हैं, अभी 3 ही बची हैं, काफी सारी थी पहले, अभी बस 3 ही बची हैं। हो गया हो गया, अब हम इसे जो है बोरे में रख रहे हैं, और इसे रख के, और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं शकरकंद के जो बिल्कुल रूट की तरह हैं, उन्हें हम फिर से रोप रहे हैं ताकि ये अगले साल तक हो जाए। काफ़ी अच्छा निकला है इसीलिए इसे हम जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये बीज काफ़ी अच्छा था, वैसे वो बीज तो था नहीं बट फिर भी अच्छा था, तो इसलिए अभी इसे रोप रहे हैं। ये देखिए हो गया, मैंने देख लिया, और अब मैं जा रही हूँ घर। अब्बू अम्मी जो है वो सब कुछ ये रोप के ही आएंगे, तो मैं चली घर। घर पे आके अब मैं खिचड़ी बना रही हूँ, और यहाँ पे दूध उबाल रही हूँ। खिचड़ी जो है हमें अच्छा लगता है, ये मूंग दाल का खिचड़ी है, और इसमें बनाने के बाद मैंने यहाँ पे घी डाला है, और ये लहसुन और मिर्च का चोखा, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं इसे, चोखा या क्या। देखो इधर, इधर देखो, बाय बाय। शाम हो चुकी है, लगभग 4 से 5 बज रहे हैं, और अभी यहाँ पे जो है हमारा घर बन रहा है, तो वहाँ सर सफाई चल रही है, क्योंकि ईंट आने वाली है, तो अभी तुरंत ही ईंट आएगी, तो वहाँ पे सर सफाई चल रही है। और ये देखिए सना कैसे साफ कर रही है, जो देखती है वैसा ही कॉपी करने का कोशिश करती है। ये देखिए, अब आ गई है ट्रैक्टर। ये देखिए साकिब जाके मोड़ से लेके आया है, क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा था उन्हें, और थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। और इसका देखिए कैमरा देखते ही शुरू हो जाती है, यहाँ पे जो है वो जगह को देखा जा रहा है कि कैसे कहाँ पे गिराना है और ये सब कुछ। और सना जो है वो ट्रैक्टर पर चढ़ के बैठ चुकी है अभी। ये जो ईंट रख रहे हैं, ये ईंट ऐसे रखा जाता है, ये भी मैं पहली बार ही देख रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि इसे कैसे सजा के रखा जाता है। तो इसी के साथ आज का मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टिल देन, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।